तो गाइज अभी हम पिकअप का ये फ्रेम बनवा रहे हैं, तो फटाफट से मैं आपको इसका कुछ डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि इसको फ्रेम कैसे बनवाना चाहिए अगर आप बनवाते हैं कभी। तो पहले तो आप देख सकते हो, मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट में जैसे आपका पिकअप का ट्राली होता है, तो ट्रॉली में आपको एल पट्टी ऐसा ले लेना है 2.5 इंच का, और ये 2.5 इंच का है, तो 2.5 इंच का एल पट्टी है, इसको एल पट्टी कुछ इस टाइप से लगवा देना है, देख सकते हो। और उसके लगवाने के बाद इसमें होल कर देना है, 4 से 5 होल करवा दीजिए। 4-5 होल करवा करके उसके बाद क्या है, आपको 18-19 नंबर का ये आपका बोल्ट लग जाएगा, 21 नंबर का भी बोल्ट आप लगवा सकते हैं, तो हैवी बोल्ट ही आप लगवाइए। प्लस इसमें पाइप जो है, ऐसा पाइप लेना है आपको, ये आपको 3 फीट का पाइप लेना है, और ये वाला जो एल पट्टी है इसको आपको 1.5 फीट का लेना है, मतलब ये 18 इंच का रहेगा, 18 इंच का ये रहेगा, ये वाला 18 इंच का रहेगा, और ये 3-3 इंच में आप होल करवा दीजिए 5, तो ये काफ़ी इजीली अच्छे से बैठ जाता है। प्लस फिर आपको ये वाला पाइप लेना है, इससे डबल, मतलब ये 3 फीट का पाइप लेना है, 3 फीट का ये पाइप लेना है नीचे तक यहाँ से, और इसको होल करवा देना है इस पाइप में भी, पाइप में भी होल करके आपको कुछ इस टाइप से नट लगा देना है, यहाँ से भी नट लग जाएगा, यहाँ से मतलब चारों पांचों में आप नट लगा सकते हो, तो कुछ इस टाइप से नट लगवा दीजिए इसमें। और नट लगाने के बाद जो है इसका, इसको बनाएंगे कैसे, तो ये पाइप आप देख सकते हो नीचे तक है, मतलब ये 3 फीट का पाइप है, और यहाँ पर एडजस्टिंग भी बनवाया है, एक नीचे होल है और एक यहाँ नीचे होल है, देख सकते हो। तो मतलब कि अगर कभी आप इसको ऊपर करना चाहते हैं तो एक चूड़ी ऊपर हो जाएगा, और अगर आप नीचे करना चाहते हो तो ये वाला होल यहाँ आ जाएगा, तो ये मतलब नीचे चला जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप एडजस्टिंग बनवा सकते हैं। और देन आपको क्या करना है कि जो आपका पिकअप का जो ये फ्रेम होता है, मतलब इसका जो साइज होता है, चेचिस का हाइट है, तो चेचिस से थोड़ा सा नीचे इसको हमें लगवाना है, जिससे कि डीजे का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखे। और इसको जो है फुल वेल्डिंग करवाना है, और इसको आपको चैनल जो आता है डीजे एंगल का चैनल, तो चैनल में आप लगवा दीजिए इसको, देख सकते हैं ये चैनल है डीजे एंगल का, मतलब कहने का मतलब जो जनरेटर का एंगल होता है वो वाला एंगल इसमें लगा हुआ है, चैनल इसको बोलते हैं। और यहाँ पर फुल वेल्डिंग किया हुआ है, ये देख सकते हो, और इसको फुल वेल्डिंग करने के बाद कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपका। और इसके बाद जो प्रोसेस रहेगा यहाँ पर रहेगा, यहाँ से यहाँ लगाने के लिए, तो इधर साइड से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से कुछ इस टाइप से कट लगा करके, यहाँ पर देख सकते हो ये ऐसा कट लगाना है, और यहाँ पर भी एक तिरछा कट लगाना है, तो किस टाइप से कट रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, इधर से ये यहाँ से ऐसे कट हो गया है, और ये पीछे साइड से कट हो गया है, तो जब आप इसको बैठाएंगे तो कुछ इस टाइप से बैठेगा, और उसको वेल्डिंग करा देना है काफ़ी अच्छे से, तो ये नीचे दबेगा नहीं। तो मैं अभी फ़िलहाल आ गया हूँ इधर, और ये जो कट है ये आप देख सकते हो, इसको लगाना है ये कुछ इस टाइप से, ये देख सकते हो, तो सभी टाइप से जो है ये मतलब अच्छे से पकड़ लेगा, यहाँ से भी पकड़ लेगा और यहाँ से भी पकड़ लेगा, देख सकते हैं। तो ये ऐसा कट लगाना है आपको, मिस्त्री आपको लगा देगा इजीली, और ये कुछ उस टाइप से लगाकर मतलब वो रेडी हो जाएगा, तो वहाँ से वो रेडी हो जाएगा, मतलब क्या होगा जब इसमें लोड पड़ेगा तो वो दबेगा नहीं, नीचे इसका दबेगा नहीं, तो इसका बेनिफिट वो है नीचे लगाने का। और इस जगह भी आप लगा सकते हो, छोटा सा एल पट्टी वगैरह जगह है आपका तो मजबूती ज़्यादा रहेगा, तो अभी वहाँ पर भी थोड़ा सा लगाएंगे इसमें, और ऊपर से यहाँ से एक बत्ता दे करके, और यहाँ से सीधा ऐसे करके एक लंबा लंबा दो, एक इस साइड और एक उस साइड लगा देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा, मतलब कैसे लगेगा तो कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वेल्डिंग आप देख सकते हो, इस टाइप से वेल्डिंग करवाना है, फुल वेल्डिंग करवाना है, जिससे कि काफ़ी अच्छा मजबूत रहे। और इधर से ऐसा दिख रहा है, ये देख सकते हैं। तो चलिए अभी जो है इधर ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को लगाते हैं इसमें, और आपको फिर दिखाएंगे। तो ये फ्रेम अभी लगेगा, ये फ्रेम डायरेक्ट इसमें ऊपर जाएगा,
तो चलिए फिर अभी इसको वेल्डिंग करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइज, अभी जो फ्रेम है वो कैसे बनता है वो तो मैंने आपको बताया ही था कि कैसे कैसे बनाना है। सो जैसे कि आप ये वाला जो फ्रेम था यहाँ से ऐसे आपको वेल्डिंग करवा करके ये आपको फिटिंग करवा देना है, नट बोल्ट यहाँ लगा देना है क्योंकि काफ़ी टाइटली हो जाएगा, और देन इसको इस टाइप का बनवाना है जो भी आपका साइज रहेगा, 8 फीट 7.5 फीट जैसा भी साइज है उस हिसाब से आप साइज लगवा करके इसको बनवा दीजिए जो कि कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर होल करवा दीजिए, एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ, मतलब 4 होल करवा दीजिए और सिंपली कुछ इस टाइप से ये आपका फ्रेम जो है वो रेडी हो जाएगा, काफ़ी मजबूत फ्रेम हो जाएगा और कुछ इस टाइप से आप जो है अपना सेटअप लोड कर सकते हैं। ऊपर से भी हम एक बत्ता देंगे और देन यहाँ से ऐसे और एक ऐसा पट्टी आएगा जो कि यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे, ये वाला बोल्ट में टाइट कर देंगे, और एक यहाँ पर होल है इसमें जो है इस टाइप से फंस करके और सीधा ऊपर जाएगा, वहाँ पर एक बत्ता आएगा तो उसमें टाइट कर देंगे। तो कुछ इस टाइप से इसका फ्रेम जो है आप बनवा सकते हैं पिकअप का, जो कि काफ़ी सिंपल और काफ़ी मजबूत है, इसमें 8 बेस काफ़ी इजीली यूज़ कर पाएंगे आप और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाद बाकी 12 बेस लोड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।